नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम जिन घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें से ज्यादातर के बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा या सुना नहीं होगा। आज हम ना सिर्फ दुनिया के सबसे पहले परमाणु धमाके की पर्दे के पीछे की हकीकत को जानेंगे, बल्कि इतिहास की कुछ कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक जर्मन महिला भौतिक शास्त्री से, नाम था लिस मेटनर। लिस ने अपने भतीजे ऑटोफिस के साथ मिलकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के E=mc² के सूत्र के अनुसार परमाणु का विभाजन किस तरह किया जाता है उसका लेख पत्र यानी कि थियरी 11 फरवरी 1939 के दिन पब्लिकली प्रकाशित कर दी। परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला अब जग जाहिर हो गया था। सच पूछो तो इन दोनों ने सोए हुए जीन को शीशे से रगड़कर बाहर निकालने का अनर्थ किया था। अनर्थ इसलिए क्योंकि आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम आने वाले थे। यहां नाजियों से बचने के लिए जर्मनी छोड़कर अमेरिका के प्रिंसटन शहर में आके बसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनका ये लेख जब पढ़ा तो वो बौखला गए। आइंस्टाइन ने 2 अगस्त 1939 के रोज अमेरिका के तत्काल प्रमुख रूजवेल्ट को पत्र लिख के ये बताया कि हिटलर परमाणु बम बना ले, उससे पहले हमें ये शस्त्र बना लेना चाहिए। इसके बाद 1 सितंबर 1939 के दिन हिटलर के पोलैंड पे आक्रमण करते ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और आइंस्टाइन की शंका भी सही निकली, क्योंकि हिटलर ने परमाणु बम बनाने का अभियान भी अपने जीते हुए नॉर्वे देश में शुरू कर दिया। विश्व युद्ध के दौरान उसका ये अभियान आगे भी बढ़ा, लेकिन अंत में असफल हो गया। यहां पर अमेरिका ने भी आइंस्टाइन की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए परमाणु शस्त्र बनाने का अभियान शुरू कर दिया। और इस खुफिया प्रोजेक्ट का नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के सूत्रधार थे एक बुद्धिजीवी प्रोफेसर जे ओपनहाइमर। प्रोफेसर ओपनहाइमर संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत में कम्युनिकेट भी कर सकते थे और भारतीय ग्रंथ तथा गीता की ओरिजिनल कृतियां भी पढ़ चुके थे। प्रोफेसर ओपनहाइमर ने लगभग 1.5 लाख लोगों की मदद लेकर एक ऐसा शस्त्र तैयार किया जिसका महज 1 ग्राम पदार्थ 19,000 मैट्रिक टन TNT बारूद जितनी एनर्जी एक ही धमाके में मुक्त कर सकता था। और ये सब संभव हुआ आइंस्टाइन के उस जालिम सूत्र E=mc² के कारण। दिन था 16 जुलाई 1945 और सुबह के 5:30 बजे थे। लगभग 300 वैज्ञानिकों की टीम के साथ कुछ अमेरिकन सरकारी ऑफिसर्स दूर एक सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे। विस्फोट के ऑब्जर्वेशन के लिए B-29 टाइप के 2 प्लेन आसमान में चक्कर काट रहे थे। आदेश देते ही जमीन से कुछ मीटर ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धरती दहल उठी, मानो सूरज जमीन पर टूट पड़ा हो। निरीक्षण कर रहे सभी लोगों ने अगर खास किस्म के काले गॉगल्स न पहने होते तो उनका अंध होना तय था। इस धमाके से जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और मशरूम जैसा एक बादल आसमान में 12 किलोमीटर तक उड़ा। इस विनाश लीला को देखकर उसके सर्जक प्रोफेसर ओपनहाइमर को संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया जिसे वे वहां पर इंग्लिश में बोले, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। हालांकि संस्कृत श्लोक भी उन्हें कंठस्थ था और इस घटना की बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. अब गौर करने वाली बात समझिए दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के अंत चरण में हिटलर तो 13 अप्रैल 1945 के दिन मर गया था, तो अब अमेरिका को परमाणु शस्त्र के अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही क्या थी। जिसके डर से उसने ये काम शुरू किया था वो तो अब खत्म हो गया। और रशिया भी तब अमेरिका का कोई खास शत्रु नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और रशिया एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। दोनों के बीच बस सिर्फ पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा का ही मतभेद था, और उस समय रशिया के पास तो परमाणु हथियार बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसलिए अमेरिका को जहां पर यह अभियान रोक देना चाहिए था उसके विरुद्ध उसने जोरों शोरों से शुरू कर दिया। अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाया और रशिया को असलामती की मानसिकता में रख दिया। एक और यूरोप में विश्व युद्ध का दी एंड हो चुका था, लेकिन पूर्व में जापान अकेला युद्ध लड़ रहा था। यह युद्ध जापान की प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था, इसलिए वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अब तत्काल अमेरिकन प्रमुख ट्रूमन अगर युद्ध नीति के अनुसार 2 लाख अमेरिकन नौका सैनिकों द्वारा जापान पर हमला कर देते तो जापान को युद्ध विराम करना ही पड़ता। लेकिन ट्रूमन ने यह कदम नहीं उठाया, बल्कि अपनी खोजी हुई अपार विनाशकारी परमाणु महाशक्ति का उपयोग जापान के ऊपर किया।
6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 के दिन नागासाकी पर अमेरिका ने अनुप्रहार किए और तांडव मचा दिया। कुल 1,20,000 से भी ज्यादा जापानीज मारे गए और मरने वाले सैनिक नहीं लेकिन आम आदमी, महिलाएं और बच्चे थे। और जो लोग रेडिएशन के शिकार बने सो अलग। इस हाहाकार के बाद पूरी दुनिया सदमे में आ गई। इस घटना के बाद जापान भी अपने घुटनों पे था। विश्व युद्ध संपूर्णतः खत्म हो चुका था। इतने बड़े सदमे के बाद दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने और यूएनओ ने प्रमुख ट्रूमन को विनती की कि उनको अपने परमाणु हथियार का कार्यक्रम समेट लेना चाहिए। और उनकी विनती सही भी थी, क्योंकि अगर अमेरिका के डर से भविष्य में रशिया और अन्य देश भी ये शस्त्र बनाना शुरू कर दे तो दुनिया को खतरे में जाने से कोई नहीं बचा सकता था। इसलिए जो भी परमाणु हथियार अमेरिका के पास थे उसे यूएनओ के निरीक्षण में डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए थे और ये आश्वासन देना चाहिए था कि ऐसे हथियार भविष्य में कभी ना बने। पर मानव जात की कम नसीबी ये कि अमेरिकन प्रमुख हैरी ट्रूमन ने इस विनती को ठुकरा दिया और कई ज्यादा परमाणु परीक्षण किए। और असलामती के डर से और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रशिया ने भी 29 अगस्त 1949 के दिन अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर और ज्यादा भड़क गया। इस कोल्ड वॉर के दौरान आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका और रशिया ने कुल 3,500 से भी ज्यादा परमाणु शस्त्र बना लिए थे। और आज तो दुनिया के कई और देशों के पास भी परमाणु हथियार है। अब भगवान ही सद्बुद्धि देके इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।